हेलो, आज की वीडियो में बात करने वाला है कि कैसे ओनिगाशिमा वॉर मरीन फोर्ट वॉर के जैसा एक पीक आर्क के बजाय एक गोबर आर्क बन गया। कैसे ओनिगाशिमा वॉर की वजह से वानो आर्क, जो कि पूरे वन पीस का बेस्ट आर्क बन सकता था, इतना पोटेंशियल था उसमें, वो मोस्ट फ्लॉड आर्क बन गया। मैं डिटेल में बात करेगा इस पूरे टॉपिक पे, एंड ये मत समझना कि आई एम हेटिंग वानो आर्क। नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वीडियो। एंड अगर कोई फालतू बात करने वाला है बोल के कि तेरे को ओडा से ज़्यादा पता है क्या, एक आग के बिगड़ने की वजह से ऐसा पूरा वीडियो बना दिया फलाना डिमकाना, तो लेट मी जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग। हम ऑडियंस के पास राइट है जज करने का शोज़ को, ठीक है? इट डजेंट डिसरिस्पेक्ट द क्रिएटर एट ऑल। एंड जब वी आर अलाउड टू अप्रिशिएट समवन्स वर्क, व्हाई कांट वी क्रिटिसाइज टू इफ इट्स फक्ड अप। मांगा स्पॉयलर्स अलर्ट, एंड या लेट्स बिगिन। इस पूरे टॉपिक को तरीके से समझाने के लिए मैं ये वीडियो में 6 मेन पॉइंट्स बताऊंगा तुम्हें, जिनकी वजह से ओनिगाशिमा वॉर गुड गोबर हो गया। एंड ऑल्सो मैं कॉन्स्टेंटली इस वॉर को मरीन फोर्ट वॉर से कंपेयर करके ये भी बताऊंगा कि वेयर ओनिगाशिमा वॉर वेंट रॉन्ग एंड क्यों ये मरीन फोर्ट वॉर जैसा पीक वॉर नहीं बन पाया। ये 6 पॉइंट्स टोटली रिवॉल्व करने वाला है अराउंड ओनिगाशिमा वॉर ओनली, और आई शुड से एक्ट 3 ओनली, क्योंकि उसके पहले का पूरा वानो आर्क और दोनों एक्ट स्टोरी बिल्डअप में गया है एंड दे आर नॉट एट ऑल फ्लॉड। एक्ट 3 ही बस हगा है। फर्स्ट पॉइंट, क्लाउन एंटैगनिस्ट्स। मरीन फोर्ट वॉर में यू रिमेंबर एंटैगनिस्ट्स कौन थे? मरीन्स, एडमिरल, सेंगोकू, शिचिबुकाइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओनिगाशिमा वॉर में मेन जो एंटैगनिस्ट्स थे वो थे बिग मॉम एंड काइडो। इनके अलावा इनके क्रूमेट्स भी थे, और वो 6 जो दल्ले थे, मैं उनका नाम भूल गया, तुम समझ गए, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये भी थे, बट मेन जो थे बिग मॉम और काइडो ही थे। इन दोनों योंकोस का ओडा ने इतना ज़्यादा हाइप बनाया था, इन दोनों के अलायंस से पूरी दुनिया डर रही थी, इवन गार्प ने रिएक्शन दिया था इनके अलायंस पर, एंड ये ऐसा अलायंस था भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिला देगा, ऐसा टाइप का अलायंस बन गया था ये। एंड ये दोनों एक चुन्नू मुन्नू से आर्मी से पिट गए, वो भी पूरी तरह। अगर बात करें बिग मॉम की, शी वॉज केपेबल ऑफ यूजिंग कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन, बट उसने पूरे वॉर में उसे सिर्फ एक बार यूज़ किया, वो भी पेज 1 दल्ले के ऊपर। लेटेस्ट चैप्टर में वी सॉ शैंक्स यूजिंग कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन, एंड शैंक्स ने उससे किड को वन शॉट किया लिटरली, एंड इतने स्ट्रॉन्ग चीज को बिग मॉम कभी किड लॉक पे यूज ही नहीं की। लमाओ, काइडो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर से पूरे वॉर में सिर्फ एक बंदा मरा, वो भी वो CP0 वाला दल्ला। उससे ना लूफी मरा, ना मोमो, ना बाकी वर्सजन वाले, ना कोई अकज आया, और ना ही ओरोची लमाओ। किनेमोन के पेट में उसने तलवार डाला और वो भी नहीं मरा। वर्सजन वर्सेस योंको का ये जो पूरा वॉर था, ये एक वन साइडेड वॉर था। इट वॉज लाइक क्लास 1 का एक बच्चा वर्सेज क्लास 12 का एक बच्चा। इट वॉज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर योंकोस टू लूज, येट दे लॉस्ट। जबरदस्ती का नर्व्स देखने मिला हमें योंकोस का इन दिस वॉर, वो भी बिना कोई रीजन के। कैन समवन एक्सप्लेन मी कि काइडो बिग मॉम अवेकनिंग लास्ट तक क्यों नहीं किए? भाई क्यों, टिल दी एंड तक क्यों उन्होंने वो पावर बचा के रखा? मरीन फोर्ट वॉर में भी अगर तुम देखने जाओ तो मरीन्स बहुत एडवांटेज पे थी, वन साइडेड वॉर था वो भी, बट वाइट बेट पायरेट्स फिर भी डिसअपॉइंट नहीं किए। बट यहाँ पे योंकोस, जो कि सपोजिटली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स हैं पूरे वर्स के, वो डिसअपॉइंट कर रहे। वाइट बेट का मरीन फोर्ट वॉर में एक बहुत बड़ा नर्फ हमें देखने मिला था, बट एक बहुत अच्छे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। बट वानो वॉर में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही सबसे ज़्यादा लैकिंग रहा है। लमाओ, सेकेंड पॉइंट, अननेसेसरी प्लॉट डिवाइसेस। ओडा को बहुत लोग इंक्लूडिंग मी उनके फोर शेडोइंग के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। हर आर्क के बिल्ड के लिए ओडा काफ़ी टाइम लगाता है, एंड नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते टाइम भी ओडा उससे कनेक्ट करता है प्रीवियस किसी इवेंट से। बट वानो में हमें इतने आउट ऑफ नोवेयर चीज़ें देखने मिली, वो भी अचानक से, जिसका जिक्र कभी पहले हुआ भी नहीं था। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द होल कारिबो का खाना वाला शिट। लूफी जब काइडो से सेकेंड टाइम पिट के पानी में गिर गया था और वो हद वीक हो गया था, आउट ऑफ नोवेयर हमें ये पता चलता है कि कारिबो अपने अंदर 1 महीने का खाना रखता है। व्हाट द एक्चुअल फक। ओडा ने लिटरली एक सुअर टाइम पास कैरेक्टर के खाने को एज अ वे यूज़ किया लूफी के एनर्जी रिस्टोरेशन के लिए। अनदर एग्जांपल इज जो का दवाई, जिसको यूज़ करके जोरो शक्तिमान जैसा हील हो गया था वापस से। कब इस दवाई का मेंशन हुआ पूरी स्टोरी में, कोई मुझे बता सकता है? ज़बरदस्ती ओडा को बस जोरो को वापस फाइट में लाना था, इसलिए अचानक से उन्होंने ये सुअर दवाई ला दिया और उसका एक साइड इफेक्ट भी डाल दिया, जिसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा बाद में भी। पहले भी ओडा न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस किया है, बट इतना सडन और इतना अपसर्ड कभी नहीं रहा है वो। मरीन फोर्ट वॉर में ओडा ने अवेलेबल चीज़ों के साथ हरकतें दिखाया था, और इस वॉर में ओडा ने हरकतें दिखाने के लिए ज़बरदस्ती चीज़ें फेंका है। थर्ड पॉइंट, ज़ीरो टेंशन। इन एनी वॉर टेंशन होना एक मस्ट चीज़ है।
टिल दी एंड चीज़ें कैसे जाएंगी ये पता नहीं होता है, तभी वॉर में एक्चुअल मज़ा आता है। मरीन फोर्ट वॉर में एक टेंशन था कि वाइट बिट पायरेट्स कैसे इम्पॉसिबल फाइट जीतेंगे, एस कैसे बचेगा, इस चीज़ का टेंशन नहीं था। बट क्योंकि इस चीज़ का टेंशन नहीं था, एस का डेथ ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा ऑडियंस पर। वी ऑल थॉट एस बच जाएगा, बट ओडा गुगली फेंक दिया, विच वॉज गुड। टेंशन को यूज़ करके स्टोरी एंड इन पर्टिकुलर एक वॉर आर्क में थ्रिल भरा जा सकता है, एंड दिस थ्रिल वॉज मिसिंग इन ओनिगाशिमा वॉर। रीज़न इसका सिंपल है, और क्योंकि ओडा ने पूरे वॉर का मेन टेंशन लूफी, जोरो, बिग मॉम और वो कांजुरो का फायर डीमन के अराउंड ही रखने की कोशिश किया। लूफी, जोरो एंड फायर डीमन के अराउंड जो टेंशन रखना चाह रहे थे वो कुछ फील हुआ नहीं, क्योंकि सबको पता था क्या होगा इनके साथ। बिग मॉम के अराउंड टेंशन था, बट ओडा ने उसमें भी हक दिया। बीच बीच में ओडा ऐसी हरकतें करता था जिसे देख के लगता था कि हाँ, अभी कुछ अलग हो सकता है, अभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ ओडा पुल ऑफ कर सकता है, जैसे एस के डेथ के साथ मरीन फोर्ट में किया था। बट अगले चैप्टर में ओडा वापस से इंडिकेट कर देता था कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग अगेन। फोर्थ पॉइंट, फोर्स्ड पावर अप्स। पावर अप्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कैरेक्टर के लिए। वनों में वी एक्सपेक्टेड सम कैरेक्टर्स टू गेट पावर अप्स, लेकिन ओनिगाशिमा वॉर में कुछ कैरेक्टर्स को ऐसा पावर अप मिला जो कि एकदम जबरदस्ती ओडा ने दिया, क्योंकि बस उनको देना था। इसके मेजर एग्जांपल्स हैं लॉ, किड और जोरो। लॉ और किड को अचानक से आउट ऑफ नोवेयर अवेकनिंग दे दिया ओडा ने। कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं कि हो सकता है लॉ किड पहले से अवेकनिंग कर सकते थे और उन्होंने बिग मॉम के लिए बचा के रखा था उस चीज़ को, अ बिग कैप, ठीक है। लॉ रूफटॉप में काइडो के अगेंस्ट हद डेस्परेट हो गया था जोरो और बाकियों को बचाते टाइम। अगर उसने पहले से अवेकनिंग सीख रखा होता तो पक्का रूफटॉप में यूज़ करता। एंड किड इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो स्टार्टिंग से ही फुल पावर जाता है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स। शैंक्स अगेंस्ट जैसे किड अभी सीधा अपना तोप निकाल लिया था, उसे भी अगर अवेकनिंग पहले से ही आता तो पक्का रूफटॉप में कर देता। इन दोनों को विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ओडा ने बस स्ट्रॉन्ग बनाना है बोल के अवेकनिंग दे दिया। एंड जोरो का कॉन्करर साकी इन्फ्यूजन तो पूरे वॉर का सबसे अपसर्ड पावर अप था। आई मीन, जोरो को कॉन्करर साकी खुद से यूज़ करना नहीं आता, ही हैजंट मास्टर्ड बेसिक कॉन्करर साकी येट, और वो एडवांस्ड फॉर्म यूज़ करने लग गया, वो भी अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं था कि एनमा उसके कॉन्करर साकी इन्फ्यूजन में हेल्प किया या फिर गलती से बस यूज़ करने लग गया। इस पैनल में देख सकते हो कि जोरो के तीनों स्वॉर्ड्स इन्फ्यूज्ड है कॉन्करर साकी से, एंड इस पैनल में यू कैन सी जोरो कॉन्शियसली यूजिंग एडवांस कॉन्करर साकी टू सेपरेट हिज स्वॉर्ड्स फ्रॉम किंग्स स्वॉर्ड। लूफी का एडवांस कॉन्करर साकी सीखना अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि लूफी पहले से कॉन्करर साकी मास्टर करके बैठा था, प्लस उसने काइडो से लड़ते हुए समझा था कि काइडो क्या कर रहा है। जोरो काइडो से डायरेक्टली लड़ा भी नहीं कभी, और उससे ओडा ने जबरदस्ती बस पावर अप देना है बोल के दे दिया एडवांस कॉन्करर साकी। इससे अच्छा भाई पहले ही आर्क्स में दिखा देते जोरो को कॉन्करर साकी सीखते हुए, ये एडवांस कॉन्करर साकी एब्सर्ड तो नहीं लगता। जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पावर अप्स मिलता है कैरेक्टर्स को, वो देखने में स्टार्टिंग में तो कूल लगते हैं, बट ओवरऑल देखने जाओ तो फुद्दू लगते हैं। यही हुआ है ओनिगाशिमा वॉर में भी। लूफी का याद है जब कॉन्करर साकी दिखा था मरीन फोर्ट में, वो इतना एपिक क्यों था? क्योंकि उसमें लूफी का कंट्रोल नहीं था और कॉन्करर साकी उस वे में ही वर्क करता है। बट अवेकनिंग और एडवांस कॉन्करर साकी ऐसे नहीं है। दोनों के कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ओडा ने इन तीनों को ये पावर अप्स देके। फिफ्थ पॉइंट, लूज एंड्स। ये पॉइंट वैसे ओडा के लिए इतना यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओडा इज़ अ गाय जो 20-22 साल बाद भी मिस्ट्री सॉल्व किया है। लेकिन ओनिगाशिमा वॉर के लूज एंड्स ऐसे हैं जो वानो आर्क में ही क्लोज होने चाहिए थे। अगर अभी हमें उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चलती है तो काफ़ी फुद्दू लगने वाला है, क्योंकि अब उसका कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं, अब उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हु डू यू थिंक हील्ड आकाजायास? हियोरी बोलोगे तुम, तो मुझे ये बताओ कि क्या ओडा ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकता था वॉर के टाइम ही? एंड अगर ये हियोरी है तो क्या ओडा ने बिफोर हैंड कभी बताया था कि हियोरी पे हीलिंग पावर्स है? देन जीरो कहाँ गायब हो गया था बिटवीन वॉर? एंड व्हाट हैपेंड टू बिग मॉम पायरेट्स? सीपी के बाकी एजेंट्स कहाँ गए? लूज एंड्स लाइक लूफी के अवेकनिंग से रिलेटेड मिस्ट्री और बिग मॉम काइडो का फ्यूचर, जोरो वाला ग्रिम रीपर, ये सब हमें बाद में पता चल सकता है एंड इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट इससे पहले जो सारे के बारे में मैंने बात किया, वॉट अबाउट देम? क्या ओडा ने कभी इससे पहले इस वे में किसी और आर्क में लूज एंड्स छोड़ा है? नहीं। एंड ऑल्सो, ओडा को जब जोरो के डायरेक्ट फैमिली को इम्पोर्टेंट बताना ही नहीं था और रियोमा का उसको एकदम दूर का रिश्तेदार बनाना था, तो फिर ये चीज़ वानों में ही दिखा देते भाई। काफ़ी अननेसेसरी लूज एंड था वो। सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट, रश्ड एंडिंग। ये सारे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ द मेन रीज़न क्यों ओनिगाशिमा वॉर एक लेटरिंग वॉर बन के रह गया। किसी भी वॉर को अच्छा बनाने के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लाइमेक्स एंड कंसिक्वेंसेज। बिल्ड और फीड्स और कैरेक्टर राइटिंग भी होती है, बट वॉर की क्वालिटी मैटर करता है मेन क्लाइमेक्स और कंसिक्वेंसेज पर। कंसिक्वेंसेज हमें इतना ढंग से अभी तक दिखा नहीं है तो इस पर मैं कमेंट नहीं करने वाला, बट क्लाइमेक्स, वेल द क्लाइमेक्स वॉज डन इन अ ट्रैश वे। ओडा ने एक कंक्लूजन डिसाइड कर लिया बस,
और उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर दिए भाई, कुछ भी। काइडो डिफीट का बिग मोम वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, बट जिस वे में डिफीट हुआ उन दोनों का, बिग मोम का तो फिर भी ठीक है, बट काइडो का ओडा ने भाई ऑडियंस पे छोड़ दिया। काइडो के कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ है, उन्होंने कभी समझाया नहीं कि क्यों काइडो एग्जैक्टली लूफी से हारा एंड उसने क्यों अवेकनिंग नहीं किया लास्ट तक, क्यों उसने नहीं करने का सोचा। हम फैंस अब काइडो के कैरेक्टर से रिलेटेड ऐसी चीज़ें फिगर आउट करेंगे जिसे हमेशा एक अजम्पशन जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। नाइस। एंड ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रेड के रिलीज के साथ उन्हें शैंक्स को वानो में दिखाना था। द क्लाइमैक्स ऑफ वानो आर्क इज फनी एंड सैड एट द सेम टाइम, क्योंकि वानो इज द बिगेस्ट आर्क ऑफ वन पीस। ओडा 3 साल लगाया पूरे बिल्डअप में एंड 1 साल में हड़बड़ी कर दिया, एंड वॉर खत्म होने के बाद जो सुमड़ी में स्ट्रॉ हैट्स बिना कुछ किए निकले हैं वानो से, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। ये चीज़ अगर किसी को फील नहीं हुआ है ना, क्योंकि तुम वीकली वेट करके रीड कर रहे थे चैप्टर्स का, तो एक काम करो, चैप्टर 1035 से 1054 तक वापस से रीड करो। यू विल रियलाइज़ कि क्या जल्दी जल्दी ओडा ने इस वॉर को निपटाया है, वो भी तब जब पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। मरीनफोर्ड आर्क याद है, ईस्ट के डेथ के बाद भी सेम पेस में चल रहा था एंड शैंक्स का एंट्री बेस्ट एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग क्लाइमेक्स था उस वॉर का, बट अनफॉर्चुनेटली ओनिगाशिमा वॉर में सेम नहीं हो पाया। द बिगेस्ट रीज़न वाई ओनिगाशिमा वॉर डिसअपॉइंटेड मी एंड मैनी पीपल, दिस वॉर जस्ट बिकेम लाइक ब्लीच का TYBW वॉर। पोटेंशियल था बट गलती हो गई मांगाकास से एंड इट लीड टू दिस वॉर्स विच लीव्स बैड टेस्ट इन योर माउथ। विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। वैसे इन 6 पॉइंट्स के अलावा मैं ये भी बोलने वाला था कि इस वॉर में ज़रूरत से ज़्यादा ही प्लॉट आर्मर दिखा है, बट फिर मैंने इस पॉइंट को हटा दिया क्योंकि पूरे वन पीस में ज़रूरत से ज़्यादा प्लॉट आर्मर है, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। मैं एक और बार बोल रहा, ठीक है, एक बार ढंग से सुन लो। आई डोंट हेट वानो आर्क और वन पीस और ओडा, ठीक है भाई, ओडा के पिक क्रिएशन पे पैसे निचोड़ा है मैंने, हाउ कैन आई हेट द गाय, लमाओ। प्लस दिस इज़ नॉट एट ऑल अ डिसरिस्पेक्ट वीडियो और अ रैंट वीडियो, लमाओ। मैंने काफ़ी कामली ओनिगाशिमा वॉर के प्रॉब्लम्स बताया है, तो या भड़कना मत ज़बरदस्ती कमेंट्स में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स करने जल्दी। एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है नाइटमेयर विश को चेकआउट। नाइटमेयर विश एक काफ़ी न्यू कॉमिक है, एक हॉरर सुपर नेचुरल जॉनरा का कॉमिक है ये, एंड सिर्फ 5 ही चैप्टर्स आए हैं इसके, तो तुम लाइक कुछ ही मिनट्स में रीड कर लोगे इसको। दिस मानवा इज़ प्रॉमिसिंग इन माई ओपिनियन। ये तुम्हें मिल जाएगा वॉइस मी में, जो कि एक काफ़ी अच्छा फ्री कॉमिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नाइटमेयर विश का लिंक डाल दिया है, चेकआउट कर लेना याद से। एंड चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बात सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।